नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, औरबिंदो फार्मा ये जो शेयर है आज लगभग 2.23% तेजी में बंद हुआ है दोस्तों। और अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर लगभग 5 दिनों में 6% ज़्यादा की अपमूव दिखा चुका है दोस्तों। तो इस शेयर में आज क्या बात करने वाले हम लोग दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सा वो लेवल है जो ये तोड़ेगा तो फिर दोस्तों इसे पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और औरबिंदो फार्मा ऐसा इतिहास में कई बार कर चुका है दोस्तों, ठीक है। और लेकिन उसके साथ अभी क्या जो खतरे हैं जो इस शेयर में अभी भी खत्म नहीं हुए हैं उसमें चर्चा करेंगे, और क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो शेयर को आने वाले समय में बहुत तेजी दिला सकते हैं दोस्तों। और सिर्फ औरबिंदो ही नहीं, बाकी जो फार्मा कंपनीज है उसमें इतनी तेजी क्यों आ रही है अचानक से, इन सब में चर्चा करेंगे। और ये जानेंगे दोस्तों कि औरबिंदो फार्मा में अगर नया निवेश करना है तो क्या इसमें करना चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ऐसा करते हैं तो चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलती है दोस्तों। प्लस बेल आइकन दबा दें और वीडियो अगर आप लाइक कर देंगे दोस्तों तो वीडियो औरों को भी रिकमेंड होगी और उन्हें भी फायदा होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। तो आप पाएंगे कि 6.32% ये बढ़ा है 5 दिनों में, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मेन चीज है दोस्तों, इसके लिए अभी फिलहाल 750 का जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसे तोड़ के दोस्तों क्लोजिंग देके जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें वीकनेस जो है ना दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये वीकनेस बनी हुई है, ठीक है। इसमें अभी वीकनेस बनी हुई है और आने वाले समय में शायद ये और तेज हो, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ दोस्तों 700, ऊपर की तरफ 705, ये दोनों में शायद ये कुछ समय तक कंसोलिडेट कर सकता है दोस्तों, और उसके बाद अपनी ऊपर की जर्नी शुरू करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट्स है दोस्तों कि औरबिंदो फार्मा को आने वाले समय में तेजी दिला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण मैं बता दूं, यूएस में कोविड-19 के फिर से बढ़ते मामले। ये शायद मीडिया में उतना नहीं चल रहा दोस्तों, लेकिन यूएस में हालत दिन पे दिन बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, ठीक है। और वहां जो मीडिया है, जो ट्रंप के समय में पागलों की तरह चिल्ला रहा था, दिखा रहा था, वो अचानक से जो कवरेज है वो इसीलिए बंद किया है क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में उसकी वैसी किरकिरी हो चुकी है। और अगर अब ये होता है तो जो बाइडेन के लिए तो दोस्तों पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, न्यू वेरियंट आ रहा है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा कंटेजियस है, ठीक है। इसीलिए और ये जो दो रीजन है दोस्तों, इसके कारण क्या हो पड़ेगा आपको पता है, मार्जिन दोस्तों। जो पिछली बार जो जिस चीज के कारण सारे शेयर में जो मेडिकल के यानी कि फार्मा के शेयर में जो गिरावट आई है, भले ये हो एलेम्बिक हो, सब में जो सबसे ज्यादा गिराने का पॉइंट था दोस्तों वो मार्जिन था। जो यूएस में केसेस कम हुए और इंडिया में केसेस कम हुए, प्लस जो चीजें पैन आउट हुई जिस तरह से, उसके कारण जेनरिक में जो कंपटीशन अचानक बढ़ गया दोस्तों, उनके कारण इनके मार्जिन पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। और वो डेंट के कारण ही जो रेवेन्यू लॉस हुआ था दोस्तों, उसके कारण जो शेयर में इतनी भयंकर गिरावट होती। अगर आप सोचें कि ये गिरावट दोस्तों इतनी सीवियर थी, आपको मैं एक बार दिखाता हूं। हाँ, आप देखिए कि पिछले एक महीने की बात करूं दोस्तों, 18% दोस्तों, 18%। और अगर 6 महीने की बात करें तो 15% दोस्तों, ठीक है। और एक समय तो ऐसा दोस्तों कि केवल एक हफ्ते या दो हफ्तों में ही ये शेयर लगभग 25% से ज्यादा टूट गया था दोस्तों, 25% से भी ज्यादा की गिरावट थी। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊं दोस्तों कि इतिहास इसका कैसा रहा है। आप देखिए पिछले 5 सालों में, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं, ये औरबिंदो फार्मा की आदत ही रही कि ऐसे ही दोस्तों रिटर्न देता है। आप देखिए एक सडन डिप देखिए यहां पे, उसके बाद वी शेप आई है दोस्तों। आप देखिए ये वी शेप दोस्तों, ये जो बहुत बड़ी वी शेप आई है, ठीक है। तो औरबिंदो फार्मा दोस्तों अक्सर ही ऐसा रहा, आप ये देखिए, ये अक्सर ही ऐसे गया है फिर ऐसे करके रिटर्न दिया दोस्तों, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे गिरता है, फिर ऐसे रिटर्न देता है, फिर ऐसे ऐसे करते। मतलब दोस्तों ये बहुत, मैं हमेशा कहा कि औरबिंदो फार्मा सबके लिए नहीं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक है। और जितना ही ऊपर तरफ जाता है दोस्तों, उतना ही ये नीचे की तरफ भी चलता है। और 750 लेवल इसके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर 750 ये तोड़ता है दोस्तों, तो उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है तो 800 रुपए आपको शायद एक या दो ही ट्रेडिंग सेशन में अचानक से मिल जाए दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये शेयर अभी बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है दोस्तों,
ठीक है, और आने वाले समय में ये शेयर आपको अच्छा खासा एक रिटर्न जरूर कमा के देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, आगे चलता हूं मैं इसमें कि दोस्तों इसमें ट्रिगर पॉइंट बहुत है भाई। अरबिंदो फार्मा शेयर प्राइस अब नियरली 2% ऑन यूएस एफडीए अप्रूवल। ठीक है, यूएस एफडीए के अप्रूवल के कारण ही आप देखेंगे कि भैया इनको 2% की जो अपसाइड आई थी वो है। ठीक, आप बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो भैया मोतीलाल ओसवाल ने ऑलरेडी ही 900 रुपए के अच्छे खासे टारगेट दिए हुए हैं इन लोगों को। ठीक है दोस्तों, यानी जो शेयर है ना दोस्तों उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं आपको बता दूं। और इसके जो वेटनरी में जो अपना इन्वेस्ट करना था दोस्तों, कोई फार्मा नाम भूल गया मैं, वो जो डील कैंसिल हुई ना, जो डील कैंसिल हुई वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, एनालिस्ट का भी कहना है। और एनालिस्ट उस डील के कैंसिल होने के बाद ही इसमें बुलिश होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। और जिस तरह की ये चाल दिखा रहा है दोस्तों पिछले 5 दिनों से, इसमें दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज में अब जा रहा है दोस्तों। और कंसोलिडेशन फेज अगर नहीं जाता है तो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, वो है दोस्तों बुलिश फेज में। ये अब बुलिश फेज में जाने के लिए दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार है, बशर्ते ये 750 को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़े दोस्तों। टच करके वापस आता है तो मैं नहीं मानता, ठीक है। और दोस्तों जिसे फ्रेश बाइंग करनी है ना, वो एक चीज ध्यान रखे, अगर जब तक ये 5750 को तोड़ के ऊपर बंद ना हो दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक इसमें कोई भी दोस्तों पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप ये कर सकते हैं कि अभी खरीद लें थोड़ा, और 5 से 8% के बीच, बिटवीन 5 टू 8% अगर आप ये सोचते हैं कि आप उसके बाद और एक्यूमुलेट करेंगे, तो दोस्तों आपको तुरंत ले लेना चाहिए। क्योंकि अरबिंदो फार्मा अब मुझे नहीं लगता दोस्तों 600 से ज्यादा नीचे जाएगा, इसका मैक्स मुझे दिखता है 600। लेकिन दोस्तों देखिए, अरबिंदो फार्मा क्या है, कुछ ऐसे ऐसे इनके मैनेजमेंट स्टेप ले लेते हैं ना जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, जिसके कारण इन्हें शेयर प्राइस में जंप भी वैसी दिखता है और गिरावट भी वैसी दिखती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अरबिंदो फार्मा तभी इन्वेस्ट करें जब आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो दोस्तों। अगर आप पैसे से ऊपर नीचे 5-10-12% 15% की अचानक गिरावट से घबरा जाते हैं, तो इस शेयर से दूर रहें दोस्तों। मार्केट में अभी बहुत अच्छे अच्छे शेयर है दोस्तों। और सबका फेवरेट बता दूं, ITC अभी भी है दोस्तों, वो आज भी 210 रुपए के आसपास होवर कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए और बिंदु फार्मा किन के लिए स्टॉक है मैं बता दिया, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है दोस्तों वो 800 रुपए तक तो आराम से रहे, जब तक मैं तो दोस्तों मैं इसमें शायद निवेशित हो सकता हूं, बता दूं डिस्क्लोजर के रूप में। और जब तक ये कम से कम दोस्तों 800 रुपए तोड़ के नहीं जाए, तब तक मैं इसमें कोई सेल करूंगा दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये जबरदस्त है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय जो मैं आपको अरबिंदो फार्मा दे रहा हूँ, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन लाने से पहले दोस्तों अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर लेनी दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो दोस्तों मेरा अरबिंदो फार्मा था, यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।